तो आज हम लोग बैठे हैं सब लोग ट्रेन में, और मेरे मामा मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं। जाएंगे आज ट्रेन में वो भी। हाँ, वो भी हमारे साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यूट्यूब पर भी काट दिया। आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और देखो, अभी हमने रायगढ़ के रेलवे स्टेशन में अभी निकलेंगे यहाँ से। ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट है ट्रेन। फिर जाना है अपने को, पूरी फैमिली ट्रिप पूरी जा रही है। और देखो हमारे साथ है पीहू। अरे पीहू, लगभग 2:30 बजने वाले हैं और हम लोग अभी स्टेशन में हैं। One hour later. सब बॉर्डर क्रॉस कर लिया और ब्रजनाथ नगर पहुंच चुके हैं और ट्रेन रुकी है रेलवे स्टेशन पे। और ये देखो हमारे जीजू ये आ गए हैं, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। गुड मॉर्निंग गाइस, देखो हम पहुंच चुके हैं बामड़ा। पहली बार आए स्टेशन बामड़ा, पहली बार नहीं दूसरी बार आए हैं, लेकिन स्टेशन का नाम नहीं पता था, बामड़ा अभी पता चला। सी भाई बिस्किट खाते हुए, और बहुत ही सुहानी सुबह। कल ट्रेन तो काफ़ी लेट था, पर अभी अच्छा चल रहा है। अभी तक सफ़र अच्छा ही चला है अभी तक, जब से हम बैठे हैं। बाकी वेट बहुत करना पड़ा ट्रेन के लिए। चलो हम भी थोड़ा फेस वेस धो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश लगेगा। एकदम फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, एकदम नजारों का आनंद लेते हुए। और देखो इधर गाना वाना चल रहा है, भाई लोग एकदम फुल मजाक मस्ती। कहाँ जा रहे हो जी? पीहू ट्रेन में, और वो भी बहुत सारे लोग, मेरे पापा मम्मी दादी। जाएंगे आज ट्रेन में वो भी। हाँ, वो भी हमारे साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यूट्यूब पर भी काट दिया। अभी हम पहुंचे हैं सोरो, और देखो मौसम का हाल कुछ ऐसा है, पानी गिर रहा है और स्टेशन गीला गीला। ट्रेन में बैठे बैठे एकदम हालत खराब हो गई है। और लगेगा थोड़ा टाइम पहुंचने में पूरी, और क्या करें, अब जाना है तो इतना तो सहना पड़ेगा। अरे जीजू मोबाइल में एकदम बिजी, इधर अपने भैया भाई लोग कोई सो रहे, कोई मोबाइल चला रहे हैं। ट्रेन में बैठे बैठे एकदम हालत खराब हो जा रही, इसलिए मैं बात करने के ढंग में नहीं उतना से, पर जैसा तैसे वीडियो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ। पर अच्छा भी लग रहा है, मज़ा आ रहा है ट्रेन में। इधर देखो और भी लोग हैं।
के 6 और अभी हम लोग पहुँचे हैं जाजपुर। लगभग कितने बजे तक पहुँच जाएंगे भाई पूरी? 6 तो अभी बजे थेगा 9 बजे तक लगभग। ये लापरवाही बिल्कुल मत करें आप, कभी पटरी पे बैठ के ऐसे फोटो नहीं खिंचाना चाहिए। आगे रेड सिग्नल है इसीलिए अभी ट्रेन रुका है, और बगल में भी एक ट्रेन रुकी है। हाँ तो अभी ट्रेन रुक गया है और रात होने वाला है अभी। अभी भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन में, काफी शानदार रेलवे स्टेशन है, साफ सफाई भी बहुत बढ़िया है। ठगत नहीं होगा, बढ़िया है। और पहुंचेंगे भाई पूरी थोड़ी देर में, और क्या बोलूँ, एकदम हालत तो खराब हो गया ट्रेन में बैठे बैठे। फाइनली पूरी पहुंचे तो हालत खराब एकदम। अरे देखो राजू भैया, ट्रेन भाई दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। अरे कैसे बताओ जी। हाय भाई, फाइनली